हेलो एवरीवन, मैं नंदिनी माहेश्वरी नंदिनीज किचन में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैंने बनाई है ये राजस्थानी चने की दाल की कड्डी, जिसे हम हवेजी भी कहते हैं। ये बहुत ही अच्छी खट्टे टेस्ट वाली और बहुत ही बढ़िया बनती है, आप इसे ज़रूर ट्राई करें। और ये बनाने में भी बहुत आसान है, ये स्पेशली राजस्थान में ही ज़्यादा बनाई जाती है। तो चलिए बनाते हैं राजस्थानी चने की दाल की कड्डी। आज हम बनाने जा रहे हैं चने की दाल की कड्डी। ये कड्डी ज़्यादातर राजस्थान में बनाई जाती है। इसके लिए मैंने ये 1/4 कप जितनी चने की दाल को पहले भिगो दिया था आधा घंटे के लिए पानी में, फिर कुकर में इसकी 4 सीटी लगा दी थी। हमें इसे बिल्कुल गलाना नहीं है, इस तरह का ही रखना है कि ये नरम हो जाए लेकिन ये गले नहीं, इसके टुकड़े नहीं हो, ये इस तरह की ही रहे कि ये आराम से दबाने से दब जाए। कड़ी बनाने के लिए मैंने लिया है ये 2 कप जितनी छाछ। अगर आपके पास छाछ नहीं है तो आप 1 कप जितने खट्टे दही में 1 कप जितना पानी डाल के और उसकी छाछ भी बना सकते हैं। अब हम इसमें मिलाएंगे ये 2 टेबलस्पून जितना बेसन और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसी टाइम हम इसमें मिला देंगे ये चुटकी भर जितनी हल्दी पाउडर और 1/2 चम्मच जितनी लाल मिर्ची पाउडर और हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें गांठे नहीं रहे बिल्कुल भी, इस तरह से हमें इसे मिक्स करना है। अब हम कढ़ाई में डालेंगे 2 टेबलस्पून जितना घी। इसमें घी थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में ही लगता है। गर्म होने पर हम इसमें डालेंगे 1 तेज पत्ता, 2 लौंग और काली मिर्ची। इसमें मैंने 4-5 काली मिर्ची और 2 लौंग डाले हैं। फिर हम इसमें डालेंगे ये 10 से 15 दाना मेथी, साबुत दाना मेथी के दाने लिए हैं मैंने इसमें। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच जितनी राई, 1/2 चम्मच जितना जीरा, कड़ी पत्ते और ये अदरक लहसुन हरी मिर्ची की पेस्ट है। इसमें लहसुन ऑप्शनल है, अगर आप खाते हैं तो डालें, नहीं खाते हैं तो नहीं डालें। हम इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे ये 1/4 टीस्पून जितनी हींग। हींग कड़ी में थोड़ी सी ज़्यादा डालते हैं क्योंकि ये बहुत ही अच्छा टेस्ट देती है। फिर उसके बाद हम इसमें मिलाएंगे ये उबली हुई चने की दाल। इसे हम 2 से 3 मिनट तक इस तरह से ही फ्राई कर लेंगे, जिससे ये सारी चने की दाल में इसका अच्छा सा टेस्ट आ जाए पूरे तड़के का। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे हमने जो बेसन और ये छाछ से कड़ी का घोल बनाया था वो इसमें मिला देंगे। अब हमें इसे कंटिन्यू चलाना है जब तक इसमें उबाल नहीं आ जाए। उबाल आने लग गया है तो अब हम इसमें मिलाएंगे स्वाद अनुसार नमक। इसमें आप मसाले अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। अब हम इसे उबलने देंगे 10 मिनट तक धीरे गैस पे। हम इसमें डालेंगे 1/4 टीस्पून जितना गरम मसाला पाउडर और ये कटा हुआ हरा धनिया। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये हमारी चने की दाल की कड्डी बिल्कुल बन के तैयार है। इसमें आप नमक को टेस्ट कर ले एक बार, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा कम ज़्यादा हो तो कर और ऐड कर सकते हैं। अब हम इसको एक सर्विंग बाउल में लेंगे और फिर इस पे लगाएंगे एक कड़ी का तड़का। हम इसे एक सर्विंग बाउल में लेंगे। अगर आप कड़ी बना रहे हैं और आपके पास दही खट्टा नहीं है तो आप उसमें नींबू का रस डाल सकते हैं। अगर नींबू भी नहीं है तो आप उसमें नींबू का सत आता है जिसे हम सिट्रिक एसिड बोलते हैं, वो भी डाल सकते हैं। तो इस तरह से कड़ी खट्टी हो जाएगी, क्योंकि अगर कड़ी का टेस्ट थोड़ा खट्टा नहीं होता है तब तक कड़ी में मज़ा नहीं आता है। तो ये हमारी चने की दाल की कड़ी बनके बिल्कुल तैयार हो गई है। अब हम इसमें तड़का पैन में डालेंगे 2 छोटे चम्मच जितना घी और ये गर्म हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी राई
थोड़ी सी हींग, चार करी पत्ते, ये एक सूखी लाल मिर्ची है जिसके मैंने टुकड़े कर लिए थे, हो चुकी है। अब हम इसमें डालेंगे एक चुटकी भर जितना लाल मिर्ची पाउडर और तुरंत गैस बंद कर देंगे जिससे इसका कलर बहुत अच्छा आए। फिर हम इस तड़के को कढ़ी पर डाल देंगे। इसमें बहुत ही अच्छा स्मोकी फ्लेवर आ रहा है और हमारी कढ़ी बिल्कुल बन के तैयार है। ये हमारी राजस्थानी चने की दाल की कढ़ी बन के तैयार है। इसे हम हवेजी भी बोलते हैं, चने की दाल की हवेजी, और इसे हम इस तरह से सर्व करते हैं, पूड़ी और थोड़े से पापड़ या खींचिए, जो भी आप चाहें, प्याज, हरी मिर्ची और छाछ के साथ में सर्व कर सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही बढ़िया लगता है, आप इसे ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें जिससे आपको मेरे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन ज़रूर मिल सके। तो फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू सो मच।